कांग्रेस पार्टी मैं 5 दिन पहले जब ये घटना हुई है उसके 5 दिन पहले आके मैंने इस बात को कहा है और मैंने कहा है कि अब अगर कोई मौत होगी तो उसकी जिम्मेदारी आपको लेना होगा और उसके बाद इन लोगों ने लापरवाही की है। जान के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, लापरवाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लापरवाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अधिकारी वापस दुकान बंद करना होगा, करना होगा, करना होगा। ये दरवाजा है उसमें बड़ा सा एक ताला लगा दिया गया है और भीतर जो अधिकारी कर्मचारी है वो अभी भी मौजूद है, वो काम कर रहे हैं। दरअसल इनकी नाराजगी ये है, जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी, जिंदाबाद। के ऑफिस में आज हम लोगों ने तालाबंदी की है, प्रतिबंध चौराहा, जहां कई लोगों की जाने चले गई था। वहां के संबंधित थानेदार ने भी एनएचआई को एक आवेदन दिया था जिसमें उसको ठीक करने की बात कही गई थी। ठेकेदार के द्वारा इसका मेंटेनेंस भी होता है और इसका रख रखाव भी ठेकेदार के द्वारा किया जाता है, लेकिन बार बार एनएचआई के अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी और ठेकेदार की लापरवाही की वजह से बेगुनाह लोगों की मौत यहाँ पर हो रही है। परसों भी एक नौजवान लड़का अपने पिता को एम्स से लेकर वापस आ रहा था, उस नौजवान लड़के की ट्रक से मौत हो गई है। न जाने कितनी मौतें वहाँ पर हुई है जिसको लेकर लगातार वहाँ के आम नागरिक भी, वहाँ के व्यापारी भी इसके लिए बार बार गुहार लगा रहे थे, मदद मांग रहे थे, लेकिन कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं। और ये हंस रहे हैं, अधिकारी बैठकर हंस रहे थे। आप उस 5 दिन पहले हम लोग यहाँ पर आए और हम लोगों ने ज्ञापन दिया कि अब कोई मौत होगी तो उसका जिम्मेदार एनएचएआई होगा और ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर होगा। उसके बाद भी उन लोगों ने उसको सीरियस नहीं लिया। उसके बाद वो दूसरी जान वहाँ पर गई है, जिसका विरोध हम लोगों ने थाने में जाकर उनके खिलाफ FIR भी कराने की मांग कही है। और आज हम लोगों ने जब इस ऑफिस के लोग उसका मेंटेनेंस नहीं कर सकते, उसका राख रखाव नहीं कर सकते, जो इंचार्ज हैं उस परिक्षेत्र का वो उसको देख नहीं सकता, वो उस रोड को बना नहीं सकता, तो इस ऑफिस की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने यहाँ ताला लगाया।